सभी दोस्तों का स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपके फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ जो आपके 2017 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके। इसका PDF लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये नहीं पता कि जो उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके साथ आंसर शीट नहीं मिलती है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम देनी है और जो आपको सॉल्यूशन करना है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही करना है, उसी में स्पेस मिलता है आपको, पूरा का पूरा स्पेस उसी के अंदर ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो हैं आप देख लें। जनरली क्वेश्चन पेपर जो आपको फिफ्थ क्लास के हैं वो जल्दी से कहीं भी नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी पेपर देखने का मौका मिले कि फिफ्थ क्लास के पेपर्स कैसे होते होंगे। मैंने ऑलरेडी इसके मॉडल पेपर डाल रखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, फिफ्थ क्लास का मॉडल पेपर डाल रखा है मैंने। मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है आपका, प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसमें सारे के सारे आपके पेपर्स अवेलेबल होंगे आने वाले टाइम में। और भी जो आपके पेपर्स हैं उनको भी मैं डाल दूंगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आसानी से देख सकते हैं उन पेपर्स को और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत इजी पेपर आता है आपका, इतना इजी पेपर आता है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए फिफ्थ क्लास में किसी को जल्दी से फेल नहीं कर पाते हैं टीचर्स, क्योंकि पेपर बनता है इजी और पेपर उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे उठाए जाते हैं जो आपके बुक में हैं चैप्टर वाइज, उसी में से जिसमें निखिलम सूत्र वगैरह जो आपके वैदिक मैथमेटिक्स नया चैप्टर है, उसके अलावा आपके जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें आपके किलोग्राम मीटर और किलोमीटर्स जो कन्वर्जन्स हैं या रुपीस में कन्वर्जन्स हैं, या फिर आपके जो और भी यूनिट कन्वर्जन्स हैं जिसमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह हैं, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन आते हैं बेसिक, जिसमें वो लिखा रहता है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसके डायग्राम्स भी आते हैं। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपके जो EVS क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी से आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को देखिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। सॉल्यूशन आपको उसी में करना है, क्वेश्चन पेपर कहीं आपका बाहर से नहीं आएगा कि आपको स्पेशली सॉल्यूशन करना है, आपको कॉपी में अलग से लिखना नहीं। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको बड़ा क्वेश्चन पेपर मिलता है, 8-9 पेज का मिलता है, उसी में लाइंस बन जाती हैं डैश डैश करके, उसी के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ जो आपके 2017 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके। इसका PDF लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि फिफ्थ क्लास के बच्चों को ये नहीं पता कि जो उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके साथ आंसर शीट नहीं मिलती है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम देनी है और जो आपको सॉल्यूशन करना है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही करना है, उसी में स्पेस मिलता है आपको, पूरा का पूरा स्पेस उसी के अंदर ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन